जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचकर अधीक्षक अभियंता अजय कपूर को ज्ञापन दिया, जिस पर बिंदुवार चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना एवं बंदी दिवसों में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसी भी उपभोक्ता का 2 दिन पूर्व सूचना के कनेक्शन ना काटा जाए, एवं बताया कि 5000 से अधिक बकायेदारों के बिल में 600 रुपए कनेक्शन काटने एवं जोड़ने का चार्ज जुड़कर आ रहा है, जबकि उपभोक्ता का ना तो कनेक्शन काटा गया ना जोड़ा गया, इसके बावजूद इसका चार्ज लगा दिया जा रहा है। इस पर रोकथाम लगाने की मांग की गई। इसके साथ अन्य कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। वार्ता के अंत में अधीक्षक अभियंता अजय कपूर ने कहा कि लखनऊ स्तर पर सभी उपभोक्ताओं के डाटा फीडिंग का कार्य तेजी से जारी है। उसके उपरांत विभाग से विधिवत उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने के विषय में 2 दिन पहले सूचना दी जाएगी एवं वर्तमान में उपभोक्ता को अवगत कराने के बाद ही कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एवं उन्होंने कहा कि कई जूनियर इंजीनियर टेबल ड्राफ्टिंग के जरिए कई कनेक्शनों पर कनेक्शन कटिंग की कार्यवाही चढ़ा देते हैं, जिससे उपभोक्ता के बिल में 600 रुपए जुड़ जाते हैं। इस पर लगाम लगाई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन संजय अग्रवाल, संरक्षक प्रभु दयाल साहू, प्रांतीय महामंत्री नीरज स्वामी, महानगर अध्यक्ष सुरेश मारकानी, महानगर महामंत्री संदीप साहनी आदि शामिल रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। वही हम लोग चाहते थे, छोटे व्यापारी को सर परेशान है। दूसरा सर, बिजली कटौती की जो सूचना है उसकी अगर पूर्व सूचना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो आपको बताया था कि वो जो लखनऊ का चल रहा है ERP सिस्टम, हम लोग उसका सारे मोबाइल अपडेट करेगा, यदि रोकथाम होनी होगी।